वेलकम टू आर्टिस्ट आर्काइव, वेलकम टू आइडियल्स। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र साहब के बारे में। धर्मेंद्र साहब इज एन इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर जिनको जाना जाता है फॉर हिज वर्क इन हिंदी फिल्म्स एज वेल एज इन पंजाबी फिल्म्स। धर्मेंद्र जी हैज़ वर्कड इन ओवर 300 फिल्म्स इन अ करियर स्पैनिंग ऑफ ओवर 6 डेकेड्स। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। तो चलिए उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। धर्म सिंह देओल उर्फ धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ ऑन 8 दिसंबर 1935 इन सानेवाल, अ विलेज इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब, इन टू अ जट सिख फैमिली। उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ स्पेंड की इन द विलेज ऑफ सानेवाल एंड स्टडी किया एट द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एट लुधियाना, जहाँ उनके फादर विलेज स्कूल में हेडमास्टर थे। अर्ली करियर। धर्मेंद्र साहब विनर बने ऑफ फिल्मफेयर मैगजीन्स नेशनली ऑर्गेनाइज्ड न्यू टैलेंट अवार्ड एंड मुंबई गए फ्रॉम पंजाब टू वर्क इन द मूवी प्रॉमिस्ड, पर वो मूवी कभी बनी ही नहीं। बाद में उन्होंने डेब्यू किया इन दिल भी तेरा हम भी तेरे इन 1960। उन्होंने सपोर्टिंग रोल भी प्ले किया इन द फिल्म बॉयफ्रेंड इन 1961 एंड उनको कास्ट किया गया एज द रोमांटिक इंटरेस्ट इन सेवरल फिल्म्स बिटवीन 1960 एंड 1967। उन्होंने काम किया विद नूतन जी इन सूरत एंड सीरत 1962, बंदनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966। उन्होंने विद माला सिन्हा जी के साथ भी काम किया इन अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारें फिर भी आएंगी 1966 एंड आंखें 1968। उन्होंने काम किया विद नंदा जी इन अक्षदीप 1965 एंड विद सायरा बानू जी इन शादी 1962, आई मिलन की बेला 1964, जिसमें वो सेकंड लीड थे विद नेगेटिव पोर्शंस। धर्मेंद्र साहब ने फॉर्म किया एक सक्सेसफुल पेयरिंग विद मीना कुमारी जी एंड उन्होंने स्क्रीन शेयर करी इन 7 फिल्म्स, मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965, फूल और पत्थर 1966, मजली दीदी 1967, चंदन का पालना 1967 एंड बहारों की मंजिल 1968। उन्होंने रोमांटिक रोल्स किए इन फिल्म्स लाइक आई मिलन की बेला, आया सावन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार एंड जीवन मृत्यु। उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर्स भी करी लाइक शिकार, ब्लैकमेल, कब क्यों और कहां एंड कीमत। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद फिल्म प्रोडक्शन। उन्होंने लॉन्च किया बोथ ऑफ हिज सन्स इन फिल्म्स, सनी देओल सर इन बेताब 1983 एंड बॉबी देओल सर इन बरसात 1995, एज वेल एज उनके नेफ्यू अभय देओल सर को इन सोचा ना था 2005। आफ्टर अ 4 ईयर गैप फ्रॉम एक्टिंग सिन 2003, उन्होंने रीअपियर किया इन फिल्म्स एज अ करेक्टर एक्टर इन 2007 इन अ लाइफ इन अ मेट्रो एंड अपने। बोथ फिल्म्स क्रिटिकली एंड कमर्शियली सक्सेसफुल रहीं। उनकी अदर रिलीजेस थी जॉनी गद्दार इन 2011, उन्होंने स्टार किया अपने दोनों सन्स के साथ इन यमला पगला दीवाना, जो रिलीज़ हुई ऑन 14 जनवरी 2011। अ सीक्वल यमला पगला दीवाना 2 रिलीज़ हुई इन 2013। उन्होंने अपीयर किया विद उनकी डॉटर ईशा देओल एंड उनकी वाइफ हेमा मालिनी जी की डायरेक्टोरियल वेंचर टेल मी ओ खुदा इन 2011। इन 2014 उन्होंने प्ले किया एक डबल रोल इन दी पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल। सिविलियन अवार्ड 2012 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। 1990 में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट घायल। फिल्मफेयर अवार्ड्स 1991 में फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला फॉर घायल। 1997 में धर्म साहब को फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस इन मिड 70s, धर्मेंद्र साहब को वोट किया गया एज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। उनको फर्स्ट ही मैन ऑफ हिंदी सिनेमा भी कहा जाता है। उनको वर्ल्ड आयरन मैन भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको द लिविंग लेजेंड से भी सम्मानित किया गया बाय FICCI फॉर उनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड ऑफ आइडियल्स। वी होप दैट दिस आर्काइव विल हेल्प प्रिजर्व द लीगेसी ऑफ द ही मैन धर्मेंद्र साहब and inspire the future generation of artists. You can share with us your favorite film or song of his or even any suggestions in the comment section below. Like, share and subscribe the channel if you enjoyed watching the episode. Until next time, goodbye, take care and enjoy your life.